और आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स और एक सारस की दोस्ती की कहानी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी है। हमने ही उसको कई बार यहां पर कवर किया। पिछले दिनों वन विभाग ने इस सारस को मोहम्मद आरिफ से लेकर कानपुर के एक चिड़ियाघर में भेज दिया। भेजा भी जाना चाहिए था क्योंकि वो पालतू पक्षी नहीं है, आप उसको घर में नहीं रख सकते, एंडेंजर्ड स्पीशीज। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि यह सारस वहां ठीक से खाना नहीं खा रहा है। चिड़ियाघर के अधिकारियों को उम्मीद है कि सारस जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस बीच वन विभाग ने 35 साल के मोहम्मद आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, जिसने अमेठी जिले में इस घायल सारस को बचाया था और पूरे एक साल उसकी देखभाल की। जो मेरा दोस्त है सारस, एक पिंजड़े में क्वारंटीन किया गया है, देखते ही आंखों में आंसू आ गए मेरे। कानपुर चिड़ियाघर के एक बाड़े में ये सारस क्रेन 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है, यानी बाकी परिंदों से इसे अलग रखा गया है। वन विभाग का दावा है कि उसने इस सारस को 35 साल के मोहम्मद आरिफ से बचाया है। अमेठी के मोहम्मद आरिफ को पिछले साल फरवरी में ये सारस घायल हालत में मिला था। उसने साल भर इसकी देखभाल की। उसके बाद दोनों की दोस्ती की जो कहानी बनी वो सुर्खियां बटोरती चली गई। सोशल मीडिया पर इस दोस्ती का चर्चा हर जुबान पर था। इस बीच कानपुर चिड़ियाघर के अधिकारी चिंता में हैं। वहां भेजे जाने के बाद से सारस अब कुछ खा नहीं रहा है। सारस जो है अभी जो मूल आहार है सारस का वो इतनी मात्रा में नहीं ले रहा है, उसको पका भोजन खाने की आदत है, तो उसको जो है धीरे धीरे हम अभी तो क्वारंटाइन में 15 दिन के लिए रखा गया है और हमारा ये प्रयास है हमारे पूरी टीम का जो है कि उसको नेचुरल फूड की ओर धीरे धीरे देते जाएँ और उधर डाइवर्ट करें, तो वो उसको दिया जा रहा है और हमें आशा है कि सुधार आ जाएगा। व्यवहार उसका, खान पान वगैरह सामान्य सारस की तरह भी नहीं है जो। लेकिन सारस और आरिफ की ये दोस्ती यूपी की सियासत में द्वंद की नई वजह बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिड़ियाघर में सारस की हालत पर ट्वीट किया, लिखा कि सारस उदास है, ये कैसा अमृतकाल है। इससे पहले अखिलेश यादव जाकर आरिफ और सारस से भी मिल चुके थे। जब वन विभाग सारस को ले गया था तो अखिलेश ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सारस को ले जाया गया है। अखिलेश आज आरिफ को लेकर सारस को देखने चिड़ियाघर भी पहुंच गए। सरकार सारस की आजादी छीनी, उसको उठा करके लेकर के पहले रायबड़ी में बंद कर दिया, जब खुला छोड़ा तो वो अपने आप उड़ गया। मैं उन गांव के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कुत्तों से बचाया और जानवरों से बचाया। उधर आरिफ के खिलाफ केस करने वाले वन विभाग कहता है कि सोशल मीडिया से उसे सारस के बारे में पता चला और वन अधिनियम के तहत उसने सारस को छुड़ाया है, जल्द ही उसे जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा। कानपुर से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।